हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण दुष्मुख आप सबका पॉलिटिक्स मन ऑफ इंडिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग सेशन का टॉपिक है मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस। सो दोस्तों, हमने पार्ट वन में हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस में क्या डिफरेंस होता है, यूनिट कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है। थर्ड वन हमने देखा कि लिस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है। फोर्थ वन हमने देखा कि वर्नियर कैलिपर किस तरह से रीड किया जाता है और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। दोस्तों, पार्ट टू में हम जानेंगे माइक्रोमीटर कैसे रीड किया जाता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और डायल इंडिकेटर के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, पार्ट टू को कंटिन्यू करते हैं। आप सेकंड वन लेंगे माइक्रोमीटर। अभी माइक्रोमीटर का क्या होता है कि आप लोग माइक्रोमीटर लेकर जाते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट से, बट एम्प्लॉय गलती करता है कि आप उसका मास्टर साथ में लेकर नहीं जाते। ये सबको पता है, ये मास्टर साथ में लेकर नहीं जाते। आपको एक अधिकार बनता है कि ये सेट कर सके, इसका जो रैचेट रहता है रैकेट से उसके मास्टर को सेट करके देखने का। आपको 0 to 25 तक मास्टर नहीं लगेगा, लेकिन 25 से आगे जो माइक्रोमीटर है उसको आपको मास्टर लगेगा। 25 to 50 यानी कि आपको 25 का मास्टर लेना ही लेना है क्वालिटी से, राइट। वो 25 का मास्टर उनके सामने सेट करके दिखाना है और यहाँ पे 0-0 पे मैच होना चाहिए, तभी आपका माइक्रोमीटर ओके है, राइट। वैसे ही 0 to 25 का माइक्रोमीटर आप लेंगे, वो रैचेट घुमाकर देखने का वो 0 पे सेट होता है कि नहीं। वो 0 से आगे पीछे रहा तो क्या होगा, वो आपका माइक्रोमीटर नॉट ओके, राइट। आप देख सकते हैं ये एनविल रहता है, राइट, ये स्पिंडल रहता है, ये नीचे दो पकड़ने के लिए दिया रहता है, वो फ्रेम कहलाते हैं इसको। ये लॉकिंग स्क्रू रहता है, जब आप बीच में जो रहता है मेन स्केल रहता है, राइट, मेन स्केल। इधर सर्कुलर स्केल रहता है, राइट। यहाँ पे ये थिम्बल है, यहाँ पे नर्लिंग का ऑपरेशन किया रहता है, वो क्यों रहता है, यहाँ पे ग्रिप आने के लिए, राइट। यहाँ पे लास्ट में रैचेट है, आपको जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट पार्ट को लगाओगे तो आप रैचेट का यूज करोगे, रैचेट घुमाओगे तो ये आपका रीडिंग जो है वो सही आएगा, राइट। अब इसका अभी लिस्ट काउंट निकलना है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, सेम फॉर्मूला है इसका। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल का कितना है, यहाँ पे ऊपर जो लाइन दिया रहता है वो ऐसा रहता है, ये देखो, ये मेन स्केल का लाइन रहता है ऊपर का, ये लाइन का गैप रहता है 1 mm का, और नीचे का जो लाइन रहता है मेन स्केल पे ये रहता है, ऊपर का रहता है 1 mm का और नीचे का रहता है 0.5, यानी कि स्मॉल डिवीजन कितना होगा 0.5, राइट। यहाँ पे 0.5, यानी कि स्मॉल डिवीजन कितना होगा 0.5। तो आप सर्कुलर स्केल पे देखेंगे यहाँ पे तो आपको 50 डिवीजन नजर आएंगी, राइट। तो आपका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉल डिवीजन कितना आ गया 0.5, तो 0.5 इधर डालने का आपको, उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इधर वर्नियर स्केल के जगह सर्कुलर स्केल आ गया, क्या आ गया, सर्कुलर स्केल। तो ये स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल ये हो गया 0.5, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ऑन माइक्रोमीटर एनालॉग माइक्रोमीटर, सो ये 0.5 अपॉन ये 50 हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है इसका 50 है, तो आपका इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आता है 0.010 mm, यानी कि 10 माइक्रॉन। आपका माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना हो गया 10 माइक्रॉन, और ये एनालॉग का हो गया, डिजिटल का कितना रहता है 1 माइक्रॉन, ओके। नेक्स्ट वन इज अ डायल इंडिकेटर।
आप सबको डायल इंडिकेटर पता है, लेकिन इसका यूज किस तरह से किया जाता है वो पता नहीं रहता। तो भाई डायल इंडिकेटर का कैप रहता है, इधर लॉकिंग स्क्रू रहता है, इधर प्लंजर रहता है, इधर कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है, राइट, इधर फ्रेम रहता है, इधर बिग पॉइंटर रहता है, इधर स्मॉलर पॉइंट रहता है। जब भी आप कोई पार्ट चेकिंग के लिए लोगे, आपको इसका प्रेशर सेट करना है। आपका टॉलरेंस सपोज 0.2 प्लस 0.2 माइनस रहता है, तो आपको डायल पे एक एप्लीकेशन दिया रहता है, इधर आप सेट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय को इजीली समझ में आता है कि हमारा पार्ट नॉट ओके जा रहा है या ओके आ रहा है, राइट। तो ये डायल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें अभी एक माइक्रोन की एक डायल रहती है, दूसरी डायल रहती है 10 माइक्रोन की। तो आप लोगों को जो एक माइक्रोन की डायल है, यानी कि इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन सर्कुलर स्केल का कितना हो गया, एक माइक्रोन, इसका कितना हो गया 10 माइक्रोन की डायल, इसका कितना हो गया 1 डिवीजन का वैल्यू 10 माइक्रोन, राइट, एक माइक्रोन 10 माइक्रोन। इसमें आप तो एक रोटेशन का कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा, ए 1 माइक्रोन ही आपको, कितना होगा 1 माइक्रोन इसका स्मॉल डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना इसका 200, राइट, आप देख सकते 1 माइक्रोन के डायल का 200 डिवीजन रहता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200, ये कितना होगा 0.2, राइट, 0.2। तो सेम इस डायल का करेंगे, इस डायल का कितना है स्मॉलेस्ट डिवीजन 10 माइक्रोन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100, यानी बराबर है। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे 0.010 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, कितना होगा ये 1 mm। दोस्तों यही पे पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 में हम जानेंगे फीलर गेजेस क्या होते हैं, रेडियस गेजेस क्या होते हैं, थ्रेड गेजेस क्या होते हैं, स्नैप गेजेस, रिंग गेजेस एंड अदर गेजेस के बारे में हम पार्ट 3 में हम जानेंगे। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।